सनसनी ऑफ इंडिया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की एटीएस और स्पेशल स्टाफ की जॉइंट टीम ने मात्र 24 घंटे के अंदर सनसनीखेज ब्लाइंड डकैती केस का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान 28 वर्षीय नागेश कुमार, शिवम उर्फ जाट राम व 22 वर्षीय मनीष कुमार के रूप में हुई है। तीनों आरोपी दिल्ली में नजफगढ़ के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से 6,270 ग्राम गोल्ड, 3 किलो चांदी, 106 कच्चे डायमंड और लगभग 5.5 करोड़ रुपयों की डायमंड ज्वेलरी बरामद हुई है। गिरफ्तार सभी आरोपी बड़े ही शातिर हैं। इन्होंने पहाड़गंज इलाके में पुलिस की वर्दी पहनकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की एटीएस और स्पेशल स्टाफ की जॉइंट टीम ने 700 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर मात्र 100 रुपए के पेटीएम से ब्लाइंड डकैती का भंडाफोड़ कर दिया। 31 अगस्त को अभी पहाड़गंज के इलाके में सुबह 4:15 से 4:30 के आसपास एक कॉल हमें मिली, जिसमें कि ऐसा बताया गया कि 2 लड़कों से कुछ कीमती सामान छीन लिया गया है। तो इसमें तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और पता चला कि रॉबरी का मामला है। तो 2 लड़के जो कि वहाँ एक कुरियर सर्विस, गोल्ड कुरियर सर्विस में काम करते थे और वो अपनी कंसाइनमेंट लेके जा रहे थे, उनको 2 अपराधियों ने, जिसमें से एक पुलिस के यूनिफॉर्म में था, उसको आकर इंटरसेप्ट किया और उनसे अपना बैग दिखाने के लिए कहा। जब तक वो कुछ रिएक्ट कर पाते, पीछे से 2 लड़के और आए और उन्होंने उनकी आँखों में लाल मिर्च जो है वो झोंक दी। उससे जो वो घबरा गए और उस घबराहट में उनके सामान छीन लिया गया। उनका सामान लेके ये लड़के भागे और सामने ही उनकी कार वेट कर रही थी, तो एक वहाँ पे वाइट कलर की स्विफ्ट डिज़ायर कार में बैठ के ये लड़के वहाँ से भाग गए। ये जो वाक़या हुआ सुबह के मॉर्निंग के वी आवर्स में हुआ और जो हमारी टीम्स हैं वो तभी तुरंत मौके पे पहुँची। पुलिस स्टेशन की टीम पहुँची और हमारी स्पेशल स्टाफ और एटीएस की टीम भी वहाँ गई। डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट श्वेता चौहान ने अजय कुमार सिंह, एसीपी ऑपरेशंस की सुपरविजन व इंस्पेक्टर संदीप गोद्रा के नेतृत्व में एएटीएस और स्पेशल स्टाफ की एक जॉइंट टीम बनाई। जॉइंट टीम में एएसआई संजय कुमार, मुकेश तोमर, साहिल सांगवान, रवि शंकर, एएसआई बलजीत, लुकमान, कन्हैया लाल, निर्मलजीत, परवीन, राकेश, सतीश, सत्यवीर, उमेद, योगेंद्र गिरी, अजय, सुरेंदर, हेड कांस्टेबल दिलशाद, अमरजीत, विजय, अतुल, प्रवीण, जसवीर, शेखर, जसबीर, राजेश, संदीप और कांस्टेबल कौशल को शामिल किया। यह एक पूरी तरह से ब्लाइंड केस था और आरोपियों के बारे में भी कोई सुराग नहीं था। फिर भी इंस्पेक्टर संदीप गोद्रा ने इसे चुनौती के रूप में लिया और जांच में लग गए। टीम ने सबसे पहले क्राइम सीन पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति पीड़ित को रोककर बातों में उलझाता है। थोड़ी देर बातों में फंसाने के बाद आरोपियों की गैंग का एक सदस्य पीड़ित की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर फेंक देता है। इससे पहले कि पीड़ित कुछ समझ पाता, सभी आरोपी पीड़ित के हाथ से बॉक्स छीनकर भागने लगते हैं। बॉक्स में करोड़ों रुपयों की ज्वेलरी थी। अपराधियों की मोड्स ऑपरेंडी से इंस्पेक्टर संदीप गोद्रा को एक बात तो समझ आ गई थी कि वारदात से पहले आरोपियों ने इलाके की रैकी जरूर की होगी, क्योंकि आरोपियों को कैसे पता चला कि कुरियर कंपनी के पैकेट में करोड़ों के गहने भी होते हैं। इंस्पेक्टर संदीप गोद्रा ने बिना समय गवाए टीम को क्राइम सीन के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों पर फोकस करने को कहा। इंस्पेक्टर गोद्रा को पूरा भरोसा था कि अगर आरोपियों ने इलाके की रैकी की है तो किसी न किसी कैमरे में कैद जरूर हुए होंगे। साथ ही इंस्पेक्टर गोद्रा को यह भी अंदाजा था कि सीसीटीवी कैमरों से ही आरोपियों के बारे में कोई न कोई क्लू जरूर मिलेगा। टीम ने वारदात से 7 दिन पहले के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। एक टीम क्राइम सीन के आसपास के दुकानदारों से पूछताछ कर रही थी, साथ ही दूसरी टीम इलाके में पिछले 7 से 10 दिन के अंदर आने और जाने वाली सभी गाड़ियों का रिकॉर्ड जांच रही थी। टीम ने वारदात वाले दिन और वारदात से 7 दिन पहले के 700 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डंप डाटा को बारीकी से स्कैन करने पर इंस्पेक्टर संदीप गोद्रा का शक सही निकला और हम लोगों ने उस इलाके की जो सीसीटीवी फुटेजेस और आसपास के लोगों से बातचीत की, वहाँ पे काम करने वाले जो आसपास चाय बेचते हैं, दुकानों में काम करते हैं, सभी से हमने काफ़ी इनडेप्थ पूछताछ की और जो हमने जो हमारी अपनी शुरुआती तफ्तीश में हमें पता चला कि वो लड़के लगातार 4-5 लड़के जो हैं कई दिनों से अलग अलग दिनों पे आते रहे हैं और वहाँ पे वो रैकी करते रहे हैं और कुछ फुटेजेस में ऐसा भी दिखा जो कुछ लोगों से बात करते हुए दिखे। तो एक ऐसी फुटेज दिखी जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर से वो बात कर रहा है, एक लड़का उनमें से, उसको हम लोगों ने डिटेल में देखा। उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढा गया, उस टैक्सी ड्राइवर से पता चला कि उन्होंने उससे कुछ ट्रांजैक्शन किया था पेटीएम के ज़रिए। तो उस पेटीएम का जो उससे हमें डिटेल मिली, फिर उस अकाउंट को हमने एनालाइज किया और धीरे धीरे वी कुड जीरो इन
कि ये जो ग्रुप है ये नजफगढ़ के लड़के हैं और ये कई दिनों से वहाँ रेकी कर रहे थे, लगातार रात के 1-2 बजे के बाद वहाँ आते थे, वहाँ पे आने जाने वालों को देखते थे। और ये समझ लेना चाहिए कि वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका है, तो वहाँ पे आवाजाही रहती है, लोग नॉर्मली भी आते जाते रहते हैं, तो उसमें कुछ शक करने की ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जब पता चला कि नजफगढ़ के हमारी टीम्स वहाँ पहुँची, वहाँ पर उन्होंने आसपास के फुटेजेस को देखा, घेराबंदी की कई, फिर ऐसा लगा कि वो उनके फ़ोन्स वगैरह भी स्विच ऑफ हो गए, कि वो शायद यहाँ से भाग गए हैं। और फिर हमने वहाँ से इलाके से निकलने वाली गाड़ियाँ उनको एनालाइज़ किया, कई फुटेजेस को देखा, और आई वुड से विथ टेक्निकल सर्वेलेंस, विथ CDR एनालिसिस और अपनी जो हमने CCTV देखा और हमारे अपने सूझबूझ से, जो हमारी टीम की सूझबूझ और जो बहादुरी दिखाते हुए राजस्थान तक हमारी टीम गई। तकनीकी जांच से पता चला कि बदमाश राजस्थान के जयपुर में हैं। उन्हें खोजने के लिए 20 व्यक्तियों की एक टीम जयपुर भेजी गई। काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने 28 वर्षीय नागेश कुमार, शिवम उर्फ जाट राम व 22 वर्षीय मनीष कुमार को दबोच लिया। पुलिस को इनके पास से 6,270 ग्राम गोल्ड, 3 किलो चांदी, 106 कच्चे डायमंड और लगभग 5.5 करोड़ रुपयों की डायमंड ज्वेलरी बरामद हुई है। पहला आरोपी नजफगढ़ दिल्ली निवासी 28 वर्षीय नागेश कुमार पुत्र मेहर सिंह डकैती का मास्टरमाइंड है। यह दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और बेरोजगार है। यह काफी महत्वाकांक्षी है। यह हाई और ग्लैमरस की जिंदगी जीने के सपने देखता था। इसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दोस्तों और मामा के साथ मिलकर डकैती डालने की योजना बनाई। दूसरा आरोपी 23 वर्षीय शिवम उर्फ जाटराम पुत्र ऋषिपाल सिंह भी नजफगढ़ दिल्ली का रहने वाला है। इसने झारोड़ा कलां के एक स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई की है। यह दिल्ली में ही कृष्णा कॉलोनी स्थित अपने पिता की मिल्क डायरी में काम करता है। यह भी लक्जरी लाइफ जीना चाहता था, इसलिए क्राइम में शामिल हो गया। तीसरा आरोपी भी नजफगढ़ का रहने वाला है। 22 वर्षीय मनीष कुमार पुत्र देविंदर सिंह PDM यूनिवर्सिटी से 4th ईयर का B.Pharma का छात्र है। इसने अपनी स्कूली शिक्षा नजफगढ़ में ही पूरी की है। यह भी वेरी हाई और ग्लैमरस लाइफ जीना चाहता था, इसलिए बिना मेहनत और आसान रास्ते से जल्दी पैसा कमाने के लालच में क्राइम में शामिल हो गया। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। जिसमें से एक है नागेश, ये नजफगढ़ का रहने वाला, 28 साल इसकी उम्र है, अनएम्प्लॉयड है और ये पुलिस की वर्दी में उस दिन वहाँ पे आया था। पुलिस की वर्दी पहनने का मोटिव यही था कि वो उनको डरा सकते थे और कोई शक भी नहीं करेगा अगर वो देर रात में वहाँ पे घूमते हुए दिखाई देंगे। अभी हम इनको PC रिमांड पे जाएंगे और वो क्यों जबरदस्ती वो पुलिस की वर्दी का ही क्यों पहना उसके बारे में पूछताछ करेंगे। इनको जो हमें अभी तक पता चला है कि ये जानकारी थी कि यहाँ पे क्योंकि करोल बाग का भी इलाका है, ज्वेलर्स हैं भारी मात्रा में और यहाँ पे सोने का जो लेन देन है व्यापार लगातार होता रहता है, तो इनको इस तरह की जानकारी थी कि वहाँ पे ऐसा होता है और ये लगातार आके यही देख रहे थे कि कौन सी गाड़ी आती है, कोई लड़के हैं जो लगातार वहाँ आते रहते हैं क्या और किस तरह की सुरक्षा के अरेंजमेंट है, वो लोग के साथ कोई गार्ड होता है या नहीं, उस तरह के। टैक्सी ड्राइवर का उसमें कोई रोल नहीं था, इनको कुछ कैश की जरूरत थी तो इन्होंने उससे कैश देकर पेटीएम पे ट्रांजैक्शन कर लिया। नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं निकला अभी तक। हाँ, यही मैं बता रही हूँ कि उन नहीं स्पेसिफिक ये कुरियर कंपनी नहीं, यहाँ पे कुरियर का काम होता है, ये जानकारी इनके पास। हाँ, इन्होंने ये कहा देखा कि लगातार हर रोज उसी टाइम पे ज्वेलरी लेके जाते हैं लड़के। हाँ, अभी तक ये 3 लड़के जो गिरफ्तार किए हैं, इसमें एक नागेश है, शिवम है और मनीष है, 3 लड़के हैं, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी प्रेस रिलीज में है। नहीं, 5 लड़के हैं, 2 लड़के अभी भागे हुए। यही तो उससे पूछना पड़ेगा कि वो उसने शायद कहीं से बनवाई है या क्यों उसको ये आइडिया है। छिपने की नियत से राजस्थान में गए थे यहाँ से भागने की, इनका प्लान था कि हम लोग बाहर ही बाहर रहेंगे 1-1.5 महीना जब तक ये मामला ठंडा ना हो जाए, पुलिस थक जाए। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है, रहे हर पल चौकस। और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर।
जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया, कहीं डर तो कहीं दर्द। कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या। कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।